We lead busy lifestyles and barely get time to sit and actually process our thoughts, which is likely a reason why mental health issues or underlying problems go unassessed. इनमें से majority underdeveloped और developing countries में होती हैं. Undiagnosed और untreated mental illness society के पीछे का सबसे बड़ा कारण है. World Health Organization के अनुसार हर 40 सेकेंड में कोई ना कोई अपनी जान लेता है. ये दुनिया भर में हर साल लगभग करीब 8 लाख लोग हैं. हालांकि कुछ एस्टिमेट इस संख्या को 1 मिलियन के करीब भी रखती है. 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए सुसाइड डेथ का प्रमुख कारण है और हर सुसाइड जिसका रिजल्ट मृत्यु होती है उसके पीछे 40 से अधिक सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं. सुसाइड इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर पीपल एज 15 टू 29 एंड फॉर एवरी सुसाइड दैट रिजल्ट्स इन डेथ देयर आर एज मेनी एज 40 अटेम्प्टेड सुसाइड्स. The International Association for Suicide Prevention, IASP, ने 2003 में World Suicide Prevention Day की शुरुआत की थी. ये साल World Suicide Prevention Day 10 सितंबर को मना रहा है. मेरे सर्कल में हम Suicide Prevention Day Awareness Series का आयोजन कर रहे हैं to understand, create awareness about suicidal behaviors and how to effectively treat them. Hello, मैं हूँ प्राजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं प्राची त्रिपाठी जी से. प्राची त्रिपाठी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट. करंटली शी इज द डायरेक्टर एंड हेड साइकोलॉजिस्ट एट रिफ्लेक्ट विद इन सेंटर फॉर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग इन मुंबई. शी हैज ओवरऑल 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिंस कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम लंडन यूके एंड 4 ईयर्स post specialization in clinical psychology. She has also worked as consultant clinical psychologist at Mind Experts, Bhai Jalbhai Wadia Hospital and D'Souza Foundation. She has been awarded prize at Thrissur 2011 Research Convention for Students for presenting paper on the research conducted in June 2016. She has published papers on the following topics: a comparative study on depression in elderly residents living with their families versus living in old age homes in Bombay Psychology Journal, and effect of nicotine dependence on cognition and quality of life in patients suffering from schizophrenia. Welcome to MediCircle, Prachi Tripathi ji. आपसे मेरा पहला सवाल है, लोग सुसाइड की कोशिश करते क्यों हैं? सुसाइड करना एक हम जैसे समझते हैं कि एक हम इसे एक ऑप्शन के तौर पे कंसिडर करते हैं कि क्यों सुसाइड करना जब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो पर जो व्यक्ति या जो इंसान उस दौर से गुजर रहा होता है, एंड वी वेरी वेल नो दैट डिप्रेशन हैज बीन वन ऑफ द लीडिंग comorbid conditions that leads to suicide ideations and thoughts. But इसके अलावा भी circumstantial reasons बहुत सारे होते हैं. We can list finances, we can list relationships as causes, we can list disabilities, chronic illnesses as causes, we can list drug abuse as causes. So causes और reasons तो हमारे पास बहुत सारे हैं. पर उस व्यक्ति के लिए उस समय थॉट में या विचार में ये चीज लाना कि और कोई होप बची है और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अवेलेबल है, उस समय उस व्यक्ति के लिए वो चीज उसे दिखाई नहीं देती. वो कहीं ना कहीं उन इमोशंस के चलते इतनी ज्यादा दबाव में आ जाती है, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग स्टेट पर जाने के बाद उस दौरान जो उस व्यक्ति की इमोशनल स्टेट होती है वो उसे और किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एक्सेस करने ही नहीं देती है. उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम उस वक्त इतनी पहाड़ जितनी बड़ी होती है और उसकी कॉन्स्टेंट हेल्पलेस फीलिंग उसे ये रिमाइंड कर रही होती है कि इसके आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. ऑल्दो हम सबके लिए ये कहना आसान है दैट सुसाइड इज एन option, why to consider that as an option when we have several other options. Right, पर उस व्यक्ति की क्षमता ही नहीं होती उस वक्त कि वो और चीजें सोच पा रहा हो. शायद ये हमें समझ नहीं आता, आप ये कहना चाह रही हैं. So true. जी.
हम उस वक्त बहुत बाहरी तौर पे उस चीज को देख रहे हैं. एज अ थर्ड पर्सन चीजों को गेज करना और अपना एडवाइस देना आसान होता है, बट उस वक्त उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है ये हम नहीं समझ पाते हैं कई बार. सो सुसाइड अटेम्प्ट करना ही सबसे पहले सबसे बड़ा साइन होता है डिस्ट्रेस का, कि वो व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म के मेंटल इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है. तो वो व्यक्ति उस दौरान उस चीज से गुजर रहा है और वही चीज उसके लिए इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो उस वक्त नहीं समझ पाता उसे क्या करना चाहिए, राइट. कई बार सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि मेनी पीपल डिस्पाइट ऑफ गिविंग सेवरल साइंस दैट दे आर अंडर डिस्ट्रेस, डिस्पाइट ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल देयर क्लोज वंस, दे हैव बीन रीचिंग आउट टू देम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि आसपास वाले लोग इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि अरे ये तो हर बार का ही है, ये तो हर बार ही ऐसे कहता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम इस बार भी ठीक हो जाओगे, थिंग्स विल वर्क आउट, राइट. आसपास के लोगों का अप्रोच भी कहीं ना कहीं उसे ऐसा नजर आता है कि nobody is trying to get to know what I am going through. कोई समझ ही नहीं रहा है वो क्या एक्चुअली महसूस कर रहा है अंदर से. जी. सेकंड पार्ट फॉर मेनी पीपल हु डू नॉट इवन वांट टू वर्बलाइज इट, ये सोच कर कि लोग क्या कहेंगे. अब जैसे कि आप सोचते हैं, आपने एक न्यूज सुना, इस फला फला व्यक्ति ने सुसाइड कमिट किया, ऐसा हो गया, तो कई सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब कई सारे लोग उसके बारे में बहुत सी चीजें जज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने व्यूज रख रहे हैं. मान लीजिए उन्हीं लोगों में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो इन चीजों के ऊपर सोच रहा है. अब वो ऑलरेडी इतने रिएक्शंस देख रहा है कि उसके लिए ऑटोमेटिकली ये बात आ जाती है कि बोलना तो ऑप्शन ही नहीं है शायद से. सही बात. पर मेरे आसपास के लोग इस चीज को जज करेंगे दैट मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या मैंने काफी कोशिश नहीं की, या मैं बेवकूफ हूँ, या नॉट अलाउड बेसिकली. आई थिंक काफी सारे रीजंस होते हैं लोगों के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करना, जब वो डिस्ट्रेस में होते हैं, नहीं बता पाना, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो करियर रिलेटेड डिफिकल्टी में फंसे हुए हैं, जब उन्हें कोई होप नहीं नजर आती है आगे, दैट इज द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे रीच एट अ पॉइंट वेयर इन दे कंसिडर इट इज बेटर नॉट टू लिव एनी मोर. सो ट्रू. सो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बताया, और इतने स्वाभाविक नेचुरल रिएक्शंस को मैम आपने डिस्कस किया है, जिससे हमें एक्चुअली लग रहा है कि कई बार तो सुसाइड जो करने जा रहा है उस व्यक्ति को समझाने के बजाय, जो इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, तो लोगों को सेंसिटाइज करना ज्यादा जरूरी है कि अपने आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है या हो सकता है, आपको जानकारी भी नहीं है, तो आपको कितना सतर्क रहने की जरूरत है, और जो आप बोल रहे हैं या जो आप दूसरे को महसूस करा रहे हैं उसके लिए भी कितना आपको सावधान रहना चाहिए. सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया मैम. मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक बार सुसाइड क्यों करते हैं, मतलब ऐसा एक किसी मुझे लगता है जी किसी सर्वे से या किसी भी चीजों से सामने जैसा आया है कुछ भी, कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये प्रतिशत ज्यादा क्यों है, दुगना क्यों है? इस थ्योरी को या इस पार्ट को जेंडर पैराडॉक्स इन सुसाइड कहा गया है. ओके. एज पर द रिसर्च औरतों में सुसाइडल थॉट्स ज्यादा आते हैं, पर पुरुष सुसाइड ज्यादा कमिट करते हैं. ओके. डाई मोर सुसाइड, राइट. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई डू मेन अकम्प्लिश इट मोर एंड वुमेन आर नॉट एबल टू अकम्प्लिश इट, राइट. ओके. जी. अटेम्प्ट दोनों का होता है, पर एक जेंडर है जो उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, दूसरा जेंडर है जो कंप्लीट कर लेता है. द फर्स्ट थिंग इज दोनों का अप्रोच, मेल्स का और फीमेल्स का अप्रोच टू कमिट सुसाइड इज वेरी डिफरेंट. आई वुडन्ट से डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर इंटेंडिंग टू डू, बट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दैट दे चूज टू एंड देयर लाइव्स. जी. पुरुष जो होते हैं वो ज्यादातर बहुत ही वॉयलेंट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड्स यूज करते हैं.
आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट शॉर्ट तरीके यूज करते होंगे. हाँ राइट एब्सोल्युटली शॉर्ट शॉर्ट तरीके यूज करते हैं. तो एक बार में इस तरीके से चलती है जी बिल्कुल. एक बार में ये खत्म हो जाए दैट्स इट. क्योंकि उसके बाद की एम्बैरेसमेंट तो वो बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते. सो दे मेक श्योर क्योंकि पुरुष होना ही सबसे पहले और उस लेवल पे आना ही सबसे पहले उनके लिए बहुत शर्मनाक बात हो जाती है जी. और उसके बाद अगर वो ये अश्योर नहीं करते हैं कि इसके बाद मेरा जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं होगा तो वो थॉट प्रोसेस वो उन्हें और एनकरेज करती है दैट आई वॉन्ट टू एंड इट. वेर एज इन वुमेन औरतों के अंदर ये थॉट तो बहुत होता है लेकिन वो थॉट अधिकतर एक डिस्ट्रेस कॉल के तौर पे होता है एक क्राई फॉर हेल्प के तौर पे होता है. हम ये चीज सामान्य रूप से समझते हैं कि औरतों की फिजिकल पेन सहन करने की शक्ति कम होती है एज कंपेयर टू जी जी. तो कई बार आप औरतों में ये अटेम्प्ट देखेंगी कि उन्होंने मेडिसिन ओवरडोज कर ली या उन्होंने कटिंग कोशिश कर ली या उन्होंने ऐसे कुछ मेथड्स लिए. बट आप और पुरुषों को देखेंगी तो उनके मेथड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. दे वुड ट्राई टू हैंग देमसेल्व्स दे वुड ट्राई टू कंज्यूम समथिंग इमीडिएटली. सो दिस डिफरेंस फर्स्टली मेक्स अ ह्यूज यू नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द आउटकम. कि ज्यादा कमिटेड सुसाइड्स जो होते हैं वो पुरुषों में ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका मेथड वॉयलेंट होता है. नाउ व्हाई इज इट दैट पुरुषों के अंदर सुसाइड इतना ज्यादा हो रहा है और औरतों के अंदर थोड़ा कम. पुरुषों में एक्सप्रेस करने की छूट तो कई सदियों से वर्षों से है ही नहीं और हम इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं. हमने पुरुषों के लिए बहुत कुछ नियम बनाए हैं औरतों के लिए भी हैं बट वी नो दैट फॉर अ फैक्ट मेन आर लेस एक्सप्रेसिव इमोशनली लेस एक्सप्रेसिव एज कंपेयर टू विमेन. जी औरतें का दर्द दुख कई बार बहुत कुछ बोल के एक्सप्रेस कर लेती हैं कर सकती हैं. औरतों के लिए वल्नरेबिलिटी इज नॉट समथिंग अ साइन ऑफ वीकनेस बट पुरुषों के लिए वल्नरेबल होना एक बहुत बड़ा वीकनेस का साइन होता है. किसी से ये कहना किसी करीबी से भी ये कह पाना कि मैं नहीं झेल पा रहा हूं मुझसे नहीं हो पा रहा है ये शब्दों का प्रयोग करना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है. बिल्कुल इमोशनल एक्सप्रेशन हमने कई बार देखा है कि ये तो रूल रहा है मेन आर नॉट सपोज बॉयज आर नॉट सपोज टू क्राई इट्स ओके इफ गर्ल्स क्राई एज सच. तो ये हमारी कल्चरल वे है अपब्रिंगिंग है जो मेन और वुमेन को एम्पावर करती है हाउ टू यूज कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन एज अ टूल टू कनेक्ट अदर पीपल अराउंड. अब ये चीज मेन के अंदर कहीं ज्यादा कम है. आप एक फैमिली को देखते हैं तो उसमें हेड ऑफ द फैमिली या मेल पर्सन ऑफ द फैमिली इज ऑल फाइनेंशियली रिलायबल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है. उसी फैमिली में एक फीमेल भी वर्किंग है रिस्पॉन्सिबल है बट तब भी कहीं ज्यादा हद तक अगर आदमी ने काम करना छोड़ दिया या उसके करियर में कोई डाउनफॉल आया फाइनेंसिस में गड़बड़ाहट हुई तब लोग पूछने लगते हैं सवाल समाज में ही सब बातें बनने लगती हैं. अगर एक लेडी ने या एक औरत ने अपने काम को छोड़ने का डिसाइड किया तो समाज कहता है ठीक है ना भाई अच्छा किया बिल्कुल उसकी मर्जी उसकी मर्जी है उसकी मर्जी वो रिलैक्स करना चाहती है उसकी मर्जी. तो आई एम नॉट सेइंग आई एम एब्सोल्युटली विद नो नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबॉडी एनी लेडी आई एम अ लेडी माय सेल्फ बट सोसाइटीज अप्रोच मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ आर माइंडसेट्स एज सच. बिल्कुल क्या ओके और क्या नहीं ओके है और एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक सोसाइटल प्रेशर के अंदर रहते हैं. बिल्कुल हमारे सिर्फ कह देने से कि डोंट थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स वो प्रेशर हट नहीं जाता है. बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है ये. हम लाख इसको झुटलाना चाहे पर हम जो भी करते हैं हम समाज में जहां रह रहे होते हैं उससे हमारी परिस्थितियां हमारे सारे डिसीजंस बिल्कुल उससे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं. एब्सोल्युटली तो ये सबसे बड़ी रीजन है कि पुरुषों में जो है अटेम्प्ट्स अगर होते हैं तो वो काफी लीथल होते हैं और औरतों में अगर कोई अटेम्प्ट्स होते हैं तो कई बार साइन ऑफ डिस्ट्रेस होता है.
बिल्कुल एट द सेम टाइम मैंने ये चीज अपने कई पेशेंट्स में या इनमें ऑब्जर्व किया है कि औरतों के पास कई बार एक थॉट प्रोसेस रहती है कि मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं चली जाऊंगी तो मेरे परिवार का क्या होगा. सो द एम्पैथेटिक कंटेंट इन देम इज वे टू हाई एट टाइम्स. वेयर एज फॉर मेन दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिजेक्शन, तो उनके दिमाग में ये होता है मेरे होना ना होना एक ही है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी वाइफ है बच्चों को संभाल लेगी. जी राइट ये एक जनरलाइज्ड मैंने आपसे कहा है, पर ये एक चीज है जो मैंने कई बार सुनी है लोगों से. जब उन कई लोगों के अटेम्प्ट के बाद जब उन्हें लाया जाता है इन इंटरवेंशन, तब उनके एक्सप्रेशंस में ये चीज महसूस किया है कि पुरुषों के लिए एक तरह से ये सोच कि मैं नहीं भी रहूं तो मेरी वाइफ सक्षम है, वो सब कुछ संभाल लेगी. बिल्कुल बिल्कुल. सेम टाइम दे डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन एनीबडी. सो दीज आर सम थॉट्स दैट लीड टू दिस काइंड ऑफ इम्बैलेंस. I wouldn't even want any kind of balance. We should not have either of them. But yes, बिल्कुल. तो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशन है आपके, और आपने इतने कमाल के अपने पेशेंट से जो ये इन्फ्रेंसेस निकाले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को टच किया होगा. आज हमारे जितने भी दर्शक हैं इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, उनको वाकई सुन करके महसूस हो रहा होगा कि इस बारे में चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जो भी जो झेल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से सोचना कितना जरूरी है. तो मेरा अगला सवाल है जो काफी ऑब्वियस एक निकलता है और काफी आपने बातचीतों में और लोगों को डिस्कशन के बीच में सुना होगा कि क्या अल्कोहल या अदर कोई भी ड्रग अब्यूज के सेवन से सुसाइड का खतरा बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, रिसर्च भी ये कहता है और हमने भी ये कई बार ऑब्जर्व किया है. होता ये है कि अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज करने युवा या कोई भी जाता ही इसलिए है बिकॉज वो अपने नेगेटिव इमोशंस को या जो भी वो डील कर रहा है डिफिकल्टीज, उसे उसका उसे कहीं ना कहीं वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है. वो इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग हैं कि उसे लगता है ड्रग यूज या अल्कोहल यूज से कुछ टाइम उसे एक रिलीफ मिल सकता है. राइट बट ओवर अ पीरियड होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही अल्कोहल और ड्रग यूज जो है डिप्रेशन को और ज्यादा सिवियर और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने लग जाता है. बिकॉज रियल कॉज को मीट नहीं हो रहा, रियल कॉज का ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा है, ये तो एक टेम्पररी इफेक्ट है. राइट अब चूंकि ये टेम्पररी एक सोल्यूशन होता है, मोर नंबर ऑफ पीपल आर वेरी इम्पल्सिव, नहीं मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए, चलिए हम सिगरेट पी लेते हैं, इमीडिएटली स्ट्रेस रिलीव हो गया, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो यू नो लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, मैं भूल जाऊंगा सारी चीजें. राइट सो ये टेम्पररी नीड जो है हमारी अपने पेन को दबाने की या अपने थॉट्स से दूर भागने की या अपनी लाइफ की सच्चाई से दूर भागने की, ये कोई सोल्यूशन नहीं देती. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखेंगी कि जो ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम के अलावा उसके लाइफ में और कई समस्याएं बढ़ने लगती हैं. उसके रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगते हैं, उसका करियर बिगड़ने लगता है, उसकी सेहत बिगड़ने लगती है, उसके फाइनेंसेस बिगड़ने लगते हैं. जब धीरे धीरे एक एक करके सारा ही एरिया खराब होने लगता है, तो उस इंसान के पास क्या होप रह जाती है, तब वो सोचता है कि अब तो सब बिगड़ गया, अब तो कुछ भी ठीक नहीं है. राइट तो ये थॉट वहां लाके खड़ा कर देती है जहां वो ये नहीं समझ पाता. हाँ कई लोगों में ये इंसाइट है कि मेरे एडिक्शन से मेरी तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही है. बट ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ यू नो हेल्प्स दैट आर अवेलेबल फॉर पीपल अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस और हु आर एडिक्टेड एज सच, दे आर लिमिटेड इन नेचर. देर आर नो एम्फेसिस, देर आर नो गवर्नमेंट पॉलिसीज, देर आर नो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंसेस सफिशियंट इन नंबर फॉर सेवरल स्ट्रेटास ऑफ पीपल who are undergoing addiction, who are addicted to several drugs, उनके लिए उस तरह का कोई emphasis है ही नहीं. अब drug use पे ban करने की बात की जाती है तो there are several people who are against it. Alcohol पे ban करने की बात की जाए तो भी काफी लोग against हो जाएंगे. जी. But
बट ओवरऑल हम ये चीज नहीं समझ पा रहे कि वो अपने आप को जिस डिफिकल्टी से बाहर निकालने के लिए, या मान लीजिए वो एंजॉयमेंट के लिए भी जब इस चीज के पास जाते हैं तो वो किस तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, जो ऑफ कोर्स उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंपेयर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके कई सारे स्फीयर्स डिसरप्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि एक क्षणिक सुख के लिए समटाइम्स, या गम गलत करने के लिए जो बोलते हैं लोग और शायरी करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इसमें डूबूंगा तो मैं अपने एक्चुअल रियल लाइफ के प्रॉब्लम से उबर जाऊंगा, और होता इसका उल्टा है, और कुछ ही दिन तक होता है जब उनके अंदर ये क्षमता एक्चुअली होती है कि दिमाग बता भी रहा होता है कि बेटा गलत कर रहे हो आप, यू आर टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स एंड इट इज रूइनिंग योर लाइफ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जितना आप इसमें और डूबते जाते हैं आपकी वो क्षमता भी धीरे धीरे शून्य हो जाती है, और आप एक्चुअली सुसाइड की तरफ पूरी तरीके से चलने लगते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया कि ये तो ऐसी चीज है इसके बारे में तो किसी भी तरीके का सुख इमेजिन करना या ये सोचना कि ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन है या रिलीफ है, ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज इट डजंट सॉल्व एनीथिंग, इनफैक्ट वो इंक्रीमेंटल ट्रिकल इफेक्ट से और चीजों को बर्बाद करता जाता है आपकी जिंदगी की। सो ये तो आपने इतनी अच्छी बात कही है डॉक्टर राज की, मुझे लगता है कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो अगर थोड़ा सा भी सेंस है तो ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि अपने आसपास अपने लव्ड वंस के लिए भी थोड़ा सतर्क होंगे और ये बात शायद समझाने की कोशिश करेंगे। सो एक लास्ट प्रश्न के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगी कि एक ये रैशनल सुसाइड नाम की एक चीज होती है, आप इसके बारे में कुछ एक समीक्षा सी या कुछ जानकारी ऐसी दीजिए जो हमारे सुनने और देखने वालों को कुछ अच्छा लगे और थोड़ा उनको समझ आए इससे संबंधित। तो रैशनल सुसाइड हमने ये देखा है, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सुसाइड्स दैट वी हैव कम अक्रॉस। ये अधिकतर लोगों में लेटर एजेस में होता है, मतलब एल्डरली पॉपुलेशन में ये ज्यादा होता है। अब एल्डरली पॉपुलेशन में रैशनल सुसाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमने जाना कि वो एग्जिस्ट करता है, वो शुरुआत इस तौर पे हुई कि एज होना अपने आप में ही एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट चीज है, राइट। एक बहुत ही वेल नोन जीन एमरी करके ऑस्ट्रियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, ही इज एन एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट। उनका ये डेफिनेशन था कि बुढ़ापा अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है, और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे मास ज्यादा बढ़ते जाता है और एनर्जी जो है वो लेस होती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रैशनल सुसाइड हमने उन लोगों में ज्यादा देखा है, 55% तक ज्यादा देखा है जो लोग क्रॉनिक या टर्मिनल इलनेसेस के तहत की तरफ से गुजर रहे हैं। जिनके अंदर इलनेसेस इस तरह बढ़ते जा रहे हैं जो कि उन्हें फंक्शनली डिसेबल कर देते हैं, राइट। अब देखा जाए तो बुढ़ापा अपने आप में ही कई सारी डिसेबिलिटीज ले आता है, बीमारी ना भी अभी तो बुढ़ापा स्वयं एक बीमारी है, सच्चाई है जी। बॉडी इज ऑब्वियसली डिकम्पोजिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग, वो प्रोसेस है एजिंग का जी। वो प्रोसेस जो है वो बॉडी के साथ हो रहा है, अब मेंटली एंड इमोशनली वो क्या कर रहा है ये बहुत कम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उस चीज को अक्नॉलेज कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति उस समय से गुजर रहा है, जैसे काफी समय पहले जब मैं ओल्ड एज होम्स में जाया करती थी तो वहां के लोगों में मैंने देखा कि एक अजीब सी पैसिविटी है कि बस अब हो गया, हम बस राह देख रहे हैं, दे आर परफेक्टली फाइन, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, वो अपनी रोजमर्रा की चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि अब है क्या, I'm fine now. Ab, I'm just waiting. So I'm just waiting, not necessarily that everybody will attempt or think about ending their lives, but they are not looking forward to anything else at all. So this hamper is basically happening on their motivation to live altogether. Okay. It is definitely a question on losing their identity, losing the ability to have the pleasure of life,
यू नो लूजिंग लूजिंग द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ ऑल्टोगेदर. अधिकतर वृद्ध होते होते ये सोचने लगते हैं कि अब मेरा उपयोग क्या रह गया है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उनके बच्चे हैं अब वो भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी मेरी जरूरत नहीं है, काम छूट गया, सारी चीजें छूट गई, तो अब मेरा काम क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में. एंड बिलीव मी, एक समय एक मिनट के लिए ये थॉट अपने मन में ला कर देखिए कि आई एम ऑफ नो यूज. वो थॉट इतना डेट्रिमेंटल होता है अपने आप में, वो थॉट हमें तरह से हिला कर रख देता है जी, बिल्कुल. तो जो व्यक्ति उससे गुजर रहा है उसके लिए उस बात को एक्सेप्ट कर पाना, इट इज नॉट दैट ही इज विलिंगली एजिंग, राइट, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट ही कैन स्टॉप ऑल्सो. It is no choice. उनका, yeah, उनका कोई बस नहीं है इस पे. We should understand this. And be sympathetic. If nothing at all, just sympathize with the person. Yes. So, कई rational society का whole यही part रहा है that कई लोग mental competency होते हुए भी ये decision लेने की सोचते हैं कि अब हमें नहीं जीना है. Right? उनके अंदर शायद वही एक मेंटल कॉम्पिटेंसी होती है जो उन्हें समझाती है कि अब और कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं अपने आप को बचा कर भी क्या करूं. मेनी पीपल आर फियरफुल ऑफ डेथ, कि डेथ आएगी कैसे, वो भी एक फियर उन्हें बहुत ज्यादा एंग्शियस करता है, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है. उस थॉट्स के चलते भी वो कई बार इस तरह की कोशिशें करते हैं. बट रैशनल सोसाइटी इम्पल्सिव कम होता है और वो ज्यादातर एक थॉट होता है जो कई समय से बिल्डअप हो रहा होता है, पर आसपास के लोगों को उसके बारे में जानकारी होना, उसके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारा अप्रोच और एटीट्यूड हमारे एल्डर्स के लिए क्या है, कैसा है, एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत मायने रखता है और वही उनका पार्ट बन जाता है. कल्चरल एलियनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस. Hey, if a person today is at the age of 80, 85, 90, उसके लिए आज का कल्चर, आज की सोच एकदम समझ से बाहर है. टेक्नोलॉजी तो एकदम ही बाहर है समझ से. तो वो कहाँ बिलोंग करता है? फैमिली आगे जाना चाहती है, बच्चे आगे जाना चाहते हैं, कोई उसके साथ उसके समय में रुकना ही नहीं चाहता, राइट? तो ये सोच शायद और अगर इम्प्रूव हो और लोग इस बारे में अवेयर हो तो ये एम्पथी ही काफी होगी कई लोगों के लिए ये सोचने के लिए कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है और क्या हमें कराना चाहिए. ऑफ कोर्स, सो अवेयरनेस प्लेज अ मेजर रोल एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल समवेयर एज अ पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल हु इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू एंड हिज लाइफ बिकॉज वी ऑल फॉर्म हिज एनवायरमेंट. बहुत ही कमाल की बात आपने कही है मिस प्राची, और आई एम श्योर कि इसको जानने के बाद आपकी सिर्फ इस बातचीत से ही काफी लोगों में एक उनकी मानसिकता में एक सुधार आना चाहिए. ये जो जागरूकता आज हम लोग इस खास दिन की बना रहे हैं, इस बारे में जानकारी लोगों को जो दे रहे हैं सीरीज के माध्यम से, तो इसमें आपने बहुत ही शानदार पहलू पे हम लोगों से हमसे बातचीत की है मेरी सर्कल के माध्यम से, और जो चीज समझाई है आई विश और होप कि ये आपकी जो उम्मीद है ये लोगों तक पहुंचे और लोग वाकई बेहतर इंसान बन सके और वृद्ध लोगों के प्रति थोड़ा सा सपोर्ट दे सके उन्हें और समझ सके उन्हें, प्यार और केयर दे सके, तो शायद ये बहुत बढ़िया होगा सबके लिए. थैंक यू सो मच, इट वॉज एक्चुअली अमेजिंग हैविंग यू ऑन दिस शो. एंड और आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी बातें आज हमसे जो शेयर की है, इससे आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरव्यू. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस हियर एट डॉक्टर स्पीक at Ready Circle. Thank you so much.